जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने नाकाम की घुसपैठ की बड़ी कोशिश, तीन जवान हमारे शहीद। हमारे शहीद हुए जवानों में दो सेना के, एक बीएसएफ का जवान शामिल, कुपवाड़ा के किरण सेक्टर में हुई मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने केरन में दो घुसपैठियों को मार गिराया, ऑपरेशन इस वक्त जारी। माछल में भी घुसपैठ की कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया, एक घुसपैठियों को मार गिराया। माछल में मारे गए घुसपैठी के पास AK-47 बरामद। मुंबई में एनसीबी की छापेमारी जारी, मशहूर फिल्म निर्माता फिरोज नाडियाडवाला के घर पर छापा, ड्रग्स बरामद। फिरोज की पत्नी को एनसीबी ने तलब किया, दफ्तर में बुलाकर पूछताछ की। छापे के दौरान घर पर नहीं थे फिरोज, एनसीबी ने चिपकाई समन की कॉपी। ड्रग्स केस में मुंबई में कल से जारी हैं एनसीबी के छापे, ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है, 5 को गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी के छापों के दौरान कल भारी मात्रा में मैरिजुआना और एमडी ड्रग्स बरामद। नोटबंदी के 4 साल पूरे होने पर दिल्ली में एनएसयूआई ने किया जोरदार प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। प्लेकार्ड के साथ एनएसयूआई प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों से धक्का मुक्की। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, नोटबंदी से कालेधन पर शिकंजा। एग्जिट पोल के परिणाम से कांग्रेस खुश, बिहार में जुटे नेता। नई सरकार के कमान संभालने से पहले दहला बिहार, तीन हत्याओं से लोगों में दहशत। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने अपहृत होटल कर्मचारी की हत्या की, वैशाली में मिला शव, लोगों ने किया उग्र प्रदर्शन, सड़क की जाम। बदमाशों ने अपहरण के बाद होटल कर्मचारी की पत्नी को फोन पर हत्या की दी जानकारी, 3 दिन पहले किया था अपहरण। पटना में पूर्व मुखिया की हत्या, दुल्हन बाजार इलाके में अपराधियों ने मारी गोली। बिहार के सिवान में एक शख्स की अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दी, मार दी गोली। बिहार चुनाव पर इंडिया टुडे, एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल का अनुमान, महागठबंधन को 139 से 161 सीटें, एनडीए के हाथ से सत्ता खिसक रही है, 69 से 91 पर सिमट रही है एनडीए। चिराग को 3 से 5 सीटों पर मिल सकती है जीत। ओवैसी पप्पू यादव बीएसपी का गठजोड़, 6 से 10 सीटों पर कर सकता है जीत। एग्जिट पोल के अनुसार आरजेडी 94 से 100 सीट बटोरकर बन सकती है सबसे बड़ी पार्टी। महागठबंधन के दूसरे दल कांग्रेस के खाते में आ सकती हैं 29 से 35 सीटें। सीपीआईएमएल को 12 से 16, सीपीआई सीपीएम को 2-2 सीटें मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल के अनुसार जेडीयू सिमट सकती है 26 से 34 सीटों पर। बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान, 38 से 50 सीटों पर कब्जा कर सकती है बीजेपी। महागठबंधन को मिल सकते हैं 44% सबसे ज्यादा वोट। सीएम के तौर पर 44% लोगों ने तेजस्वी को माना है पहली पसंद। नीतीश की लोकप्रियता कम हुई है, 35% लोगों की पसंद। 7% चिराग ने बताया, लोगों ने बताया चिराग को अपनी पसंद। उपेंद्र कुशवाहा को 4% लोगों ने बताया मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के 28 सीटों में से बीजेपी को 16 से 18 का अनुमान, कांग्रेस के हाथ 10 से 12 सीटें। आज दिग्गज बीजेपी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन, 93 साल के हुए। जन्मदिन पर आडवाणी के घर पहुंचे पीएम मोदी और अमित शाह। पीएम मोदी ने आडवाणी और आडवाणी ने पीएम मोदी को खिलाया केक। पीएम मोदी ने गुजरात में रो रो पैक्स फेरी सर्विस का किया उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाई हरी झंडी।
सूरत में स्वराज के बीच फेरी सर्विस को मिला तोहफा, तिरंगे रंग की रोशनी में नहाया दिखा फेरी का पहला जहाज। अमेरिका में डेमोक्रेट जो बाइडेन ने जीती राष्ट्रपति पद की रेस, ट्रंप को बड़े अंतर से हराया। जो बाइडेन में मिले 290 इलेक्ट्रोल वोट जबकि ट्रंप के समय आए 214। जीत के बाद बोले बाइडेन, देश ने किया मुझ पर भरोसा, खरा उतरने की करूंगा कोशिश। बाइडेन ने कहा सबको साथ लेकर चलूंगा, जिसने वोट दिया या न दिया सभी। भारतीय मूल की कमला हैरिस बन गई हैं उपराष्ट्रपति अमेरिका की। जीत के फौरन बाद उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने दी जो बाइडेन को बधाई, कहा हमने कर दिखाया। बाइडेन की जीत पर ट्रंप का ट्वीट, बाइडेन की जीत गलत। जो बाइडेन ने बदली अपनी ट्विटर हैंडल की प्रोफाइल, सीनेटर की जगह लिखा निर्वाचित राष्ट्रपति। बाइडेन को पीएम मोदी ने दी बधाई, संदेश में कहा भारत अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होने के संकेत। राष्ट्रपति ने भी बाइडेन और कमला हैरिस को जीत की बधाई दी। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में 45,000 से ज्यादा कोरोना के मामले, 559 लोगों की पिछले 24 घंटों में गई जान। देश में अब तक 1,26,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। कोरोना से अब तक 78,68,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश में अभी भी 5,00,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। यशवर्धन कुमार सिन्हा बने भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ। सिन्हा के साथ उदय माहौरकर बने भारत के सूचना आयुक्त, इंडिया टुडे ग्रुप से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं उदय माहौरकर। इंस्टीट्यूशन का जो उद्देश्य है वो है ट्रांसपेरेंसी लाना। सो पब्लिक इंटरेस्ट और प्राइवेट इंटरेस्ट, इसको और गहराई से डिफाइन करने की आवश्यकता है, जिसके ओर हम लोग काम करें। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज टिहरी झील पर बने झूला पुल का करेंगे उद्घाटन, ये देश का सबसे बड़ा झूला होगा। दरभंगा में लंबे इंतजार के बाद आज से शुरू हुई हवाई सेवा, दरभंगा से तीन बड़े शहर दिल्ली मुंबई बेंगलुरु के बीच रोज चलेंगी उड़ाने। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने कई जेसीबी मशीनों से ढहा दिया पूरा निर्माण। मुजफ्फरनगर हाईवे पर चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने कूद कर बचाई अपनी जान। लखनऊ में पुलिस के बदमाशों से मुठभेड़, दो गिरफ्तार दो फरार, फायरिंग के बाद एक बदमाश के पैर में गोली लगी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में किराना कारोबारी से लूट, चाकू के नोक पर हमला किया, घायल किया, तीन की तलाश। कानपुर में सीएमओ ने तीन अस्पतालों को सील किया, मानक पर खड़े नहीं उतरे अस्पताल। निवाड़ी में बोरवेल में गिले बच्चे को निकाला गया, बाद में हुई बच्चे की मृत्यु। कई घंटे तक चला ऑपरेशन, सेनानी की मदद, नहीं बच पाया बच्चा। 70 फीट की गहराई पर फंस गया था बच्चा, 91 घंटे तक चला ऑपरेशन लेकिन किस्मत ने बच्चे का साथ नहीं दिया। गौ रक्षा पर 1966 में बलिदान देने वाले संतों को किया गया याद, दिल्ली में जंतर मंतर पर मनाया गया गौ रक्षा संकल्प दिवस। जबलपुर में फर्जी लोगों को बेचे 7,000 सिम कार्ड, 5 गिरफ्तार। तेलंगाना के निजामाबाद में अनूठा फ्री फूड सेंटर, 3 साल में 7,00,000 गरीबों को खिलाया खाना। लुधियाना में पकड़े गए 4 ड्रग तस्कर, 5 किलो हेरोइन बरामद। सूरत में दिवाली से पहले सराफा बाजार में रौनक, 100 करोड़ के कारोबार की है उम्मीद। आजमगढ़ में एनकाउंटर के बाद बदमाश गिरफ्तार, अवैध तमंचा भेज बदमाश से बरामद। आगरा में खनन माफिया का कांस्टेबल पर टूटा कहर, गुर्गू ने कांस्टेबल पर चढ़ा दिया ट्रैक्टर, हुई मौत, फरार हुए हमलावर। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस के बदमाशों से मुठभेड़, एक इनामी बदमाश पकड़ा गया, एक फरार। जोधपुर में पकड़ा गया मुन्ना भाई, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में दूसरे की जगह दे रहा था एग्जाम। याजी में छेड़खानी से तंग आकर छात्रानी की आत्महत्या, सुसाइड नोट में आकाश नाम के लड़के को बताया अपनी मौत के लिए जिम्मेदार। यूपी के हमीरपुर में जहरीली शराब पीने से 5 की मौत, पुलिस ने मौत के आंकड़े को बताया गलत। मध्य प्रदेश के पन्ना में 2 गुटों में दंगल,
धान काटने पर जमकर चले लाठी और डंडे। यूपी के सोनभद्र में नाबालिग के रेप के बाद हत्या, नाले में मिला शव, शाम से लापता थी बच्ची। फतेहाबाद में पुलिस एक एनआरआई को गिरफ्तार कर चुकी है, चौथी शादी पर पहली पत्नी ने कर दी शिकायत। कानपुर में डीसीएम की कार से टक्कर, तीन गंभीर रूप से घायल। आगरा में चलती कार में पत्नी की गला घोटने की पति ने कोशिश की, पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रयागराज में पुलिस ने मुठभेड़ में बदमाश को दबोचा, झपटमारी में कई वारदात में इसकी तलाश। बलिया में छेड़खानी के बाद छात्रा को घर में घुसकर जिंदा जलाने की कोशिश, लड़की की स्थिति गंभीर, आरोपी गिरफ्तार। फाजियाबाद में शख्स की पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस मामले की कर रही है अनदेखी। कैथल में पुलिस पर फूटा पब्लिक का गुस्सा, हेलमेट नहीं पहनने पर एक शख्स को चाड़ा मारने पर फड़क गए लोग। सोनीपत में जहरीली शराब से मौत के मामले में सरखना को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 9 की मौत। गाजियाबाद में 15 लाख के पटाखे जब्त, घर में छुपा कर रखे गए थे ये पटाखे।